राजद के एमएलसी कारी सोएब ने नवीन नगर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन चल रहा है। इसी कड़ी में 20 दिसंबर को पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित प्रेक्षागृह में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा। इस मौके पर राजद के युवा जिलाध्यक्ष नवीन यादव, जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास, प्रदेश महासचिव बंटी सिन्हा मौजूद थे। कारी सोएब ने जदयू पर पलटवार करते हुए कहा कि जदयू अब विलुप्त हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार चुप्पी साध बैठी है, यह कहीं से उचित नहीं है। आखिर केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आज समीक्षा बैठक थी, हमारे नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का 20 दिसंबर को उनका कार्यक्रम है पूर्णिया में, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो पूरे बिहार में चल रहा है, उसी क्रम में पूर्णिया वो 20 को आ रहे हैं, उसी की समीक्षा बैठक थी आज, इसी के लिए यहाँ आना हुआ। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव और सारे लोग, पार्टी के सभी जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, ये सारे लोग मौजूद थे और सारे लोगों ने उस पर बातचीत की। फिर हम लोग गए वहाँ, जगह देखा, इसी सब सिलसिले में हम आए हुए थे, इसीलिए यहाँ आना हुआ और सारी बातें हुई हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, पूर्णिया में भी हो। कार्यक्रम के दौरान क्या संदेश दिया जाएगा लोगों में, क्या बातें की जाएगी समाज संगठन की मजबूती के लिए, जो हमारा संगठन है उसकी मजबूती के लिए, और पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा होता नहीं है किसी भी पार्टी में। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सभी पंचायत अध्यक्ष से डायरेक्ट रूबरू हो रहा है, पंचायत अध्यक्ष से बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, अपनी बातों को बताएंगे। ये पूरे बिहार में जो चल रहा है, इसमें कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। तेजस्वी जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनसे संवाद करके उनकी बात भी सुनेंगे, उनके राय मशवरे को सुनेंगे। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए वो अगर कुछ राय मशवरा देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो उसको लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जगह का चयनित कर लिया गया है? हाँ, कहाँ पे किया जाएगा ये? वो कौन जगह? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन में? परीक्षा भवन में, हाँ। आठ गैलरी। अच्छा, उपस्थित की बात, उपस्थित में कौन कौन शामिल होंगे उस बैठक में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, उसके साथ में हमारे वहाँ संजय यादव जी हैं, राज्यसभा सांसद, और फिर यहाँ जिला के जो सारे हमारे नेतागण हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित लोग हैं, पार्टी के जो भी लोग हैं, सब लोगों से मिलेंगे, सब लोग रहेंगे उसमें। बांग्लादेश में जो हिंदू पर हमला हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, जुल्म हो रहा है ये। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको तो इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर और क्या क्या है, जाकर के वहाँ कौन कौन देश का झगड़ा तुरंत निपटा देते हैं और क्या क्या कर देते हैं, तो बांग्लादेश में वो नहीं क्यों कर पा रहे हैं, क्या हो गया है आखिर? भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है और प्रधानमंत्री को तत्काल इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने देश के ही हिंदुओं की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में ही हमारे हिंदू भाई जल रहे हैं लेकिन उनको कभी देखने नहीं गए, तो वहां के लोगों की क्या सुरक्षा कर पाएंगे? इनको तो न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, किसी से मतलब तो है नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, हम सत्ता में बैठे रहें, बस मजा मारते रहें। इनको अब सवाल यह है कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुए खतरे में है, जैसा भाजपा का लोग कहता है, हिंदू खतरे में है। अब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है,
सारे गवर्नर, सारे मुख्यमंत्री, सारा सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारा कुछ आपको हिंदू समाज का, फिर भी इनका हिंदू खतरे में है इनके हिसाब से। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि बयानबाजी जो करते हैं उससे बेहतर ये है कि आप काम कीजिए, और आप तत्काल, मैं कहता हूं कि तत्काल इनको बात करनी चाहिए बांग्लादेश सरकार से, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इनको देखना चाहिए, आपकी विदेश मंत्री को अब तक पहुंच जाना चाहिए वहां, क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री को खुद पहुंच जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? तो इसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है कि केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसको तत्काल रोकना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है उसको तत्काल रोकने के लिए कोई भी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी तो खुद तो उनका सरकार है, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना देना चाहिए ना, या दे रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ही, बेचारा डर से नहीं बोल रहा है, क्या बोलेगा? किसके खिलाफ धरना दे रहे हो आप? केंद्र भी उनका सरकार है, वही तो कह रहे हैं, केंद्र में, राज्य में, बिहार से सटा हुआ बंगाल है, तो बिहार में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो बिहार से मतलब नहीं है कि ये केंद्र का मामला है, तो केंद्र में उनकी सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, ताकतवर सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, वो तो भाई कौन देश में झगड़ा हुआ था, कहां कहां झगड़ा होता है, वो यूक्रेन, यूक्रेन में एक फोन से उन्होंने जंग रुकवा दिया और क्या क्या करवा दिया और फलाना कर दिया और ढकाना कर दिया, तो भाई ताकत कहां चली गई? आज अपने ही लोगों के लिए क्यों नहीं उनकी नीति कोई काम कर रही है? ठीक है, वो फिलिस्तीन पर नहीं बोल रहे थे, फिलिस्तीन पर इसराइल के साथ खड़े हो गए, उनको मुसलमान से नफरत है, लेकिन इस पर क्यों चुप है भाई? क्यों मौन धारण किए हुए? क्या कारण है? कहां गए अजीत डोभाल? बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, कहां गए? क्यों नहीं पहुंचे वो बांग्लादेश अभी तक? तो वो किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, वो तो स्पष्ट करना चाहिए उनको, इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां है? सवाल यह है कि इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत, इंसानियत जो है वो कराह रही है, कहीं भी, भारत बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, दुनिया में कहीं भी अगर अशांति होगी तो भारत वहां शांति के लिए प्रयास करता है, करता रहेगा और करता रहा है हमेशा। इसलिए प्रधानमंत्री को तत्काल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमला जो हो रहा है उस पर तत्काल उनको कदम उठाना चाहिए, संज्ञान में लेकर के तत्काल विदेश मंत्री को भेजना चाहिए, अजीत डोभाल को भेजना चाहिए, जरूरत पड़े तो खुद जाना चाहिए और तत्काल उस हमले को रोकवाना चाहिए। जदयू तो विलुप्त हो रही है ना, खत्म हो रही है, अब है क्या जदयू? समाप्त। तो वो लोग देखते नहीं है कि वो जो डिबिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, ये सब कर रहा है बेचारा, विलुप्त सम्मेलन है वो। भाजपा और राजद की लड़ाई है सीधी, महागठबंधन की लड़ाई सीधा भाजपा से, जेडीयू लड़ाई में कहां है? जेडीयू तो जो बचा के जाओ उसको भाजपा ही चबा रहा है, चबा जाएगा। अरे वहां उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया ना, यहां भी तोड़ देगा, खत्म। देखा ना शिंदे का क्या हाल किया, शिंदे को पहले पहलाया, जो बलि दिया जाता है, बलि जब दिया जाता, देखते नहीं कि उसको पहले बढ़िया से उसको माला पहनाया जाता है, उसको बढ़िया से टीका चंदन लगाया जाता है, तब बलि दिया जाता है। तो वही हाल शिंदे जी का हुआ और उसके बाद नीतीश जी का होने वाला है।